रेशन यूज इंडिया। बर्फबारी ने रोकी केदारनाथ यात्रा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी और यूपी में देर रात बारिश, बिहार में ऑरेंज अलर्ट। नौका से पहले दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा और बिहार में मौसम का ट्रेलर दिखने लगा है। लगातार दूसरे दिन राजधानी दिल्ली में धूल भरी आंधी चलने के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से विस्तारा और इंडिगो ने कई फ्लाइट्स की उड़ान को टाल दिया। बारिश होने की वजह से तापमान में 3 से 4 डिग्री औसत की गिरावट हुई है। वहीं केदारनाथ में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते सोनप्रयाग में केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। रुद्रप्रयाग सक्रिय ऑफिसर प्रमोद गिल्डियाल का कहना है कि फाटा और गौरीकुंड की के हेलीकॉप्टर सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित है। 5 राज्यों में अगले 24 घंटों में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे तक रुक रुक कर बारिश होगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। विभाग ने ओलावृष्टि का भी अनुमान जताया। वहीं बारिश होने की वजह से उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक नौका बुधवार से शुरू हो रहा है। इस दौरान उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक चला जाता है। नौका में 9 दिन तक प्रचंड गर्मी रहती है। वहीं देश के कई शहरों के तापमान में 11.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। हिमाचल में आज भारी बारिश के साथ बर्फबारी भी हो रही है। जिला लाहौल स्पीति के बाराचाला, जिंगजिंगबार सहित काजा मार्ग में कुंजोम दर्रा और चंद्रा वैली में बर्फबारी जारी है। इसके साथ कुल्लू की पहाड़ियों पर भी हिमपात हुआ है, जबकि निचले क्षेत्र में रात से बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में भी तड़के सुबह बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक पीके सहार के अनुसार भोपाल सहित मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अगले 2-3 दिन प्री मानसून गतिविधि बरकरार रहने की संभावना है। इससे होती हुई एक ट्रफ लाइन अरब सागर तक जाती है। यह अरब सागर से नमी खींच रही है, इस कारण प्रदेश में मानसून के बदलाव देखा जा रहा है। बिहार के मधुबनी, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद समेत 7 जिलों में देर रात बारिश हुई है। कई जिलों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर घंटा रही। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 1 जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। यूपी के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बारिश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, मेरठ और गाजियाबाद में देर रात बारिश हुई है। इस दौरान ओलावृष्टि गिरने की भी खबर है। इससे पहले यूपी में सोमवार को आंधी तूफान की वजह से 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तरी पाकिस्तान में बने नए सिस्टम से उत्तर भारत में मौसम में बदलाव हुआ है। इसके चलते अगले 5 दिन तक बारिश का दौर चलता रहेगा। इसके साथ मानसून की हलचल भी शुरू हो जाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तूफान नहीं आता तो उत्तर और पश्चिम उत्तर भारत लू की चपेट में रहता। मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में 26 और 27 मई को हीट वेव चल सकती है। आगे की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।